स्मार्ट सी फेस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डार्क सर्कल के लिए क्या होम रेमेडीज होती है, आंखों के नीचे जो काले घेरे आ जाते हैं उसे आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, होम रेमेडीज मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो टुडेज वीडियो इज ऑन द डिमांड ऑफ माई टू लवली फ्रेंड्स, सो दिस वीडियो इज फॉर यू माई डियर अपेक्षा एंड रितु। अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक सजेस्ट कर दीजिए। आई विल कम टू यू विद वीडियो एज सून एज पॉसिबल। डार्क सर्कल का आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, वेदर यू आर मेल और फीमेल, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेली रूटीन में चश्मा पहनते हैं, स्पेक्स वेयर करते हैं, उनको डार्क सर्कल हो ही जाते हैं स्पेक्स से। बट इट डजंट मीन कि आप स्पेक्स नहीं पहने। डार्क सर्कल को बहुत ईजिली होम रेमेडी से क्योर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील जैसा लोगों को लगता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक नहीं दो होम रेमेडीज डार्क सर्कल के लिए। तो पहली होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए कच्चे पपीता, रॉ पपाया। कच्ची का मतलब ये नहीं, बिल्कुल ही ग्रीन कलर वाला आपको पपाया चाहिए, बिल्कुल ही ग्रीन कलर का जो होता है, इतना कच्चा पपीता आपको चाहिए जो बिल्कुल ही ज्यादा येलो जो पका हुआ पपीता होता है वैसा ना हो, बट पपाया हमारे घर में हमेशा तो अवेलेबल होता नहीं है। दूसरी रेमेडी के लिए आपको चाहिए पटेटो, जो कि हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा ही हमारे घर में अवेलेबल होता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू रेमेडी, देखते हैं पपाया कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। इसके बाद पपीता का छिलका निकालकर उसे पील ऑफ करके उसके छिलके के इस तरह के टुकड़े ले लेना है। देन इसके बाद इसे अपने अंडाय पर मसाज करना है इस तरह से। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है। अगर आपके पास कच्चा पपाया नहीं है तो आप नॉर्मल पपाया भी यूज कर सकते हैं। मैंने पपाया पर पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि पपाया अंडा डार्क सर्कल, ब्लैक स्पॉट्स, पिगमेंटेशन सबके लिए ऑल इन वन रेमेडी है और इसे कैसे यूज करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में सजेशन बॉक्स में आपको सजेस्ट कर दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पपाया से हमें इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मसाज करना है। इसके बाद अपने इसको रेस्ट की पोजीशन में 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है अपनी स्किन को। इसके बाद ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है। तो ये थी पपाया रेमेडी, अब बढ़ते हैं पपेटो रेमेडी की तरफ। आलू का छिलका निकालकर पीसीस में कट करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। देन ग्राइंड पोटैटो को छलनी से छान कर आलू का जूस निकाल लेंगे। अब इस जूस को अपने अंडर आईज पर अप्लाई करेंगे। अब इस पोटैटो जूस को कॉटन बॉल की हेल्प से अपने अंडर आई डार्क सर्कल पर लगाना है। इस तरह से कॉटन बॉल की हेल्प से इसे लगा लेंगे। देन अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से डार्क सर्कल को मसाज करेंगे। इस तरह से फिंगर टिप्स की हेल्प से लाइट हैंड से पूरे डार्क सर्कल को मसाज करना है 2-3 मिनट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में। 2-3 मिनट के लिए इस तरह से मसाज करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में। देन कॉटन बॉल को पोटैटो जूस में डिप करके अपने अंडर आई डार्क सर्कल पर इस तरह से लगाकर कॉटन बॉल्स को इस तरह से अंडर आई पर लगाकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट की पोजीशन में। देन आफ्टर दैट फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो ये होम रेमेडीज आपको डेली यूज करना है, डेली नहीं तो एटलीस्ट वीक में 4 टाइम्स आप इनको जरूर यूज करें। और इसके साथ ही आपको एक और काम करना है, आपको बादाम के तेल को अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अंडर आई डार्क सर्कल में लगाकर इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1-2 मिनट के लिए मसाज करना है सोने जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड। ये आपको करना है, बादाम का तेल अपनी डार्क सर्कल अंडर आई पर इस तरह से लगाना है। और अगर आप चाहें तो आप इसे पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। आलमंड ऑयल में विटामिन ई3 प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारी स्किन को सूदे करता है, हाइड्रेट करता है और डार्क सर्कल को लाइट करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इन प्लेस ऑफ आलमंड ऑयल आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं डार्क सर्कल के लिए। तो आज वीडियो में बस इतना ही, दिस ऑल फॉर टुडेज वीडियो, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया हो, रेमेडी पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल, सो डू शेयर माई वीडियोज।
सो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।